भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे भारत में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तेज गति से गिर रहा है। कांग्रेस पार्टी के देशभक्त नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ते चले गए। मोरारजी देसाई, कामराज जी, चंद्रशेखर जी के समय से शुरू हुआ यह क्रम गुलाम नबी आजाद तक पहुँच गया और कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के परिवार की पार्टी बनकर रह गई। 500 सांसदों वाली पार्टी 50 सांसदों वाली बन गई और 4 जून को 50 से भी नीचे चली जाएगी। देश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता निरंतर पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये क्रम मोरारजी भाई देसाई से शुरू होकर श्री कामराज जी और चंद्रशेखर जी से शुरू होकर के और गुलाम नबी आजाद तक जाता हुआ हमको दिख रहा है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे नेता, प्रदेशों के नेता कांग्रेस पार्टी के जहाज को छोड़ते हुए जा रहे हैं और हिमाचल कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से पंडित सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा, लता ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी की और प्रदेश की अध्यक्षा रही, उनके बेटे रवि ठाकुर जी, पंडित संतराम जी जो और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से थे, उनके बेटे सुधीर शर्मा जी, अनुसूचित जाति के बहुत बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे श्री गंगूराम मुसाफिर जी, राजेंद्र राणा जी, चार चार बार के एमएलए लखन पाल जी, यहां से गिरता हुआ ये क्रम चार बार के माननीय विधायक श्री सुभाष मंगलेट जी तक पहुंचा है और अब ये क्रम जारी रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी में घुटन है, कांग्रेस पार्टी में कुंठा है और ये पार्टी अब राष्ट्रव्यापी पार्टी ना रह करके श्री राजीव गांधी जी के परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।